हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह। एंड आप लोग सभी लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज है जन्माष्टमी का दिन है, जो बहुत ही ख़ास है सभी लोगों के लिए। आज कान्हा जी का जन्म हुआ था, तो इसी वेव में आज सब लोग जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। तो आज मैं भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं एक शॉर्ट सा वीडियो बना रही हूँ। तो हम लोगों ने कान्हा की पूजा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। तो छोटा सा हम लोगों ने एक मंदिर बनाया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी की। हम लोगों ने पूरा भोग बनाया था, तो जहाँ पे लड्डू है, पंचामृत है, अजवाइन है, ये सब वगैरह जो होता है, और ये हमारे घर के मंदिर है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा ये पट्टे वगैरह लगा के डेकोरेट कर दिया था। तो यहाँ पे भी पूजा हम लोगों ने करी, और फिर उसके बाद जहाँ पे कान्हा जी को रखेंगे, वहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था और ये भोग लगाया हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह है वो सब निकाल ली थी। तो हम लोगों ने सारे ड्रेसेस वगैरह सब निकाल ली थी कान्हा जी को पहनाने के लिए। एक छोटे कान्हा थे, लड्डू गोपाल जी थे, एक बड़े थे, तो दोनों का ही हम लोगों ने निकाल लिया था। इसके बाद ये बांसुरी है, मुकुट है, ये छोटे कान्हा जी का हमारे ड्रेस है। इसके बाद ही हम लोगों ने ये माला भी निकाला हुआ था, कलर ड्रेस के कलर था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो और ये पायल है, चूड़ी है, तो हम लोगों ने फिर उसके बाद तैयारी सारी कर ली थी। और करने के बाद हम लोगों ने जो किया, उसके बाद हम लोगों ने सारा मतलब डेकोरेशन वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे कान्हा जी को खीरे से निकाला, क्योंकि उनका जन्म हुआ था, तो एक तरीके से वो जन्म ही होता है उनका। तो हम लोगों ने खीरे से उनको दोनों को निकाला, और लड्डू गोपाल जी को, और निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर इनका स्नान करना स्टार्ट किया। तो पहले हम लोगों ने दही से स्नान कराया। दही से स्नान कराने के बाद हम लोगों ने इसमें चीनी का जो होता है ना, चीनी का कराया स्नान। चीनी का स्नान कराने से अच्छा होता है, तो हम लोगों ने चीनी का स्नान किया, स्नान कराया मतलब। इसके बाद चीनी का स्नान कराने के बाद दूध से स्नान कराया। तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने किस किस चीज़ों से स्नान कराया। ये गंगा जल है, तो गंगा जल से हम लोगों ने स्नान कराया। इसके बाद जो हम लोग के क्या होता है, वो जो पंचामृत बनाया जाता है, उसमें ठाकुर जी को पूरे तरीके से डिप करके फिर उसके बाद हम लोगों ने शुद्ध पानी से इनको नहलाया। शुद्ध पानी से इनको ये पंचामृत में इसलिए नहलाया जाता है कि जो पंचामृत होता है वो मतलब शुद्ध हो जाए, उसके प्रसाद के रूप में फिर उसे ग्रहण किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने मखमल के कपड़े से दोनों कान्हा जी को पोछा। पोछने के बाद हम लोगों ने इनको ड्रेस पहनाया, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे कपड़े पहनाने में, छोटे छोटे से थे लड्डू गोपाल जी, तो हम लोग को तो काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर इनका जो है श्रृंगार किया हम लोगों ने, चूड़ी पहनाई, पायल पहनाया, मुकुट पहनाया, तो मुकुट पहनाया, पायल पहनाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। माला पहनाया, मुकुट पहनाया, बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहे थे। तो आप लोग ने अपना कान्हा कैसे कैसे सजाया, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने जन्माष्टमी में क्या क्या किया और किस किस चीज़ों का भोग लगाया, तो आप लोग मुझे कमेंट में सब बता सकते हैं। मैंने तो इस तरीके से पूजा की थी, यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली थी, कान्हा जी को पहना के ड्रेस वगैरह सजा के उनको आसन पे बिठा दिया था। बड़े लड्डू गोपाल जी को हम लोगों ने आसन में बिठा दिया था, और छोटे लड्डू गोपाल को हम लोगों ने झूले में बिठा दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी, तो सभी को हम लोगों ने टीका किया, फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाने के बाद ये डूबा वगैरह होता है, क्योंकि ठाकुर जी भी हम लोगों ने ठाकुर जी को भी रखा था, ये क्या बोलते हैं, हम लोगों ने गणेश जी को भी रखा था, गणेश पार्वती जी की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ थी, तो उनको हम लोगों ने डूबा चढ़ाया, फूल चढ़ाया। तो सारे विधि विधान से हम लोगों ने पूजा की। पूजा करने के बाद हम लोगों ने सब फल वगैरह जो भी है
सब कुछ चढ़ाया, फूल माला, देखिए तुलसी का माला बनाया था, फूल का माला बनाया था, गुलाब का माला बनाया था, मतलब हर तरीके का माला बनाया था कान्हा जी को हम लोगों ने पहनाया था। तो माला पहनाने के बाद तुलसी का भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उनके भोग में भी तुलसी देखिए हम लोगों ने रखा था और तुलसी का माला भी पहनाया था, उनको भोग भी हम लोगों ने तुलसी का ही लगाया था, क्योंकि वैसे भी उनको माखन मिश्री और तुलसी दूध ये सब बहुत प्रिय है, तो ये सब ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने फल वगैरह, केला है, सेब है, ये सब कुछ हम लोगों ने चढ़ाया। फिर सारी पूजा करने के बाद हम लोगों ने पाठ किया, पाठ करने के बाद हम लोगों ने पाठ करने के बाद हवन करने की स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने तब हवन किया, दिया जलाए, काफ़ी अच्छा लग रहा था जन्माष्टमी का उत्साह, चारों तरफ बहुत ही अच्छा था, अगरबत्ती लगाई हम लोगों ने। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग पूजा में क्या क्या करते हो, क्योंकि मुझे ये कान्हा जी का ये वाला फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग को बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी पूजा कर ली थी, पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ से हवन करने की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने हवन किया, हवन जलाया वहाँ। हवन जलाने के बाद हम लोगों ने जो बेदी होती है, तो बेदी की पूजा करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है पूजा करना। तो हम लोगों ने वो पूजा की, वेदी में टीका लगाया, फूल चढ़ाया, फूल चढ़ाने के बाद हम लोगों ने जल दिया, जल देने के बाद हम लोगों ने हवन में धूप है, धूप शक्कर घी, इसका जो भोग होता है वो भी एक तरह से ये भगवान जी को अर्पित होता है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे धूप वगैरह मिक्स किया। उसके बाद हम लोगों ने हवन किया, सारे देवी देवता का नाम लेकर हवन ज़रूर करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने हवन किया, हवन करने के बाद हम लोगों ने आरती की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया था। हवन हो जाने के बाद हम लोगों ने तैयारी की आरती की। तो प्लेट सजाए, प्लेट में स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें फूल माला टीका सब करना चाहिए, और सब करने के बाद हम लोगों ने उसमें दिया रखा, दिया करने के बाद हम लोगों ने कुंज बिहारी जी की आरती करी। तो सभी लोग जो कर वहाँ पे खड़े हुए थे, तो सभी लोगों ने वहाँ पे आरती करी, घंटी बज रही थी, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है हमें कुंज बिहारी जी की आरती। तो हम लोगों ने कुंज बिहारी की आरती करी, और आरती करने के बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। तो पूरी तरीके से हम लोगों ने जल घुमाकर पूजा कंप्लीट की। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये मेरी पूजा कैसी लगी, आप लोग कैसे पूजा करते हो, कमेंट में आप बता सकते हो। एंड मेरा वीडियो अगर आप लोगों को, सभी लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करेंगे। एंड आप लोगों से विनती है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू सो मच, मेरे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। बोलो राधे राधे।